बिस्मिल्ला जी आया नो वेख पंजाब वालों अज की वीडियो पंजाबी जबान पंजाबी मजमून उनके लैक्चरार दियां सबजैक्ट स्पैशलिस्ट दियां ते स्कूल टीचर दियां सीटां आंदियां ने ते उन्हां वास्ते ओ एमसीक्यूज टाइप जिहड़ा पेपर लैंदे ने उनके टॉप जिहड़े पंजाब मजमून पंजाब जिहड़े एमसीक्यूज आंदे ने उन्हां नूं असीं एक सीरीज नाल तैयार कीता है। ओ पंजाब एमसीक्यूज हन जिहड़े तकरीबन हर पेपर च बार बार आंदे ने ते टाइम जाया करदिया बगैर असीं उन्हां दे वल चलने आ जी। पहला सवाल आंदा है कि मियाँ मुहम्मद बख्श किहड़े इलाके च पैदा होए। सही जवाब आंदा है खड़ी शरीफ च। सवाल नंबर दो है कि मियाँ मुहम्मद बख्शकुरां दा जम्मन वरा किहड़ा है। मियाँ मुहम्मद बख्शकुरी 1830 जम्मे। सवाल नंबर तीन साढ़े कोल आंदा है कि मियाँ मुहम्मद बख्श की वफात किहड़े सन च होई। ये 1907 च उन्हां दी वफात होई है। सवाल नंबर चार आंदा है कि मियाँ मुहम्मद बख्शकुरां दी वजह शोहरत किताब किहड़ी है। ओ एस जी सैफुल मलूक। सवाल नंबर पांच आंदा है जी कि हफीज तैयब दा जम्मन वरा किहड़ा है। ते ओ है जी 1931। सवाल नंबर छे साढ़े कोल आंदा है कि हफीज तैयब दी तनकीदी मजमूए दा नां की है। ओ है जी पुण छाण। सवाल नंबर सत्त आंदा है जी पंजाबी जबान दा मोढी शहर किहड़ा है जी। ओ बाबा फरीद ने। सवाल नंबर अठ साढ़े कोल आंदा है कि बाबा फरीद जिहड़ा बेनमाजी नूं किहड़ी सज़ा तजवीज़ करदे ने। ओ है जी कतल करन दी। सवाल नंबर नौ आंदा है कि बाबा फरीद दे शलोक दे मिसरे किन्ने ने। ओ इन जी दो। सवाल नंबर दस आंदा है कि बाबा फरीद कदों पैदा होए। सही जवाब है जी 1188। सवाल नंबर 11 जी साढ़े कोल आंदा है कि शाह हुसैन किहड़े फलसफे दे कायल ने। जिहदा सही जवाब है कि वह फलसफा वाजतुल वजूद दे ने। सवाल नंबर 12 कि शाह हुसैन ने किहड़ी सनफ इशारी कीती। सही जवाब है जी काफ़ी। सवाल नंबर 13 साढ़े कोल आंदा है कि शाह हुसैन दा तल्ला यानी जिहड़े ओह तल्ला किन्ना बादशाहां दे दौर दे नाल है। ओह उहदा सही जवाब आंदा है कि मुगलां दे दौर नाल। सवाल नंबर 14 जिहड़ा साढ़े कोल आंदा है कि ख्वाजा गुलाम फरीद रोई नूं किहड़ी अलामत दे तौर ते वरतदे ने। ते सही जवाब साढ़े कोल आंदा है कि ओह वसाल दे तौर ते वरतदे ने। सवाल नंबर जिहड़ा 15 साढ़े कोल आंदा है कि बुल्ले शाह दे मुर्शिद दा नां की है। सही जवाब है कि शाह अनायत कादरी। सवाल नंबर साढ़े कोल 16 जिहड़ा आंदा है कि माहिए दे किन्ने मिसरे हुंदे ने। ते सही जवाब यह है कि माहिए दे डेढ़ मिसरे हुंदे ने। सवाल नंबर 17 साढ़े कोल आंदा है कि शाह हुसैन बिटाई जिहड़े न शाह अब्दुल लतीफ बिटाई वो किहड़े सन जम्मे। ते उहदा सही जवाब है कि 1700 जम्मे। सवाल नंबर 18 साढ़े कोल आंदा है कि मजीद नूं बचपन च किहड़ी बीमारी सी। ते उहदा सही जवाब है कि नींद दे चलण दी। सवाल नंबर 19 साढ़े कोल आंदा है कि दुनिया का कुल रकबा किन्ना है। ते इहदा सही जवाब यह है कि यह दुनिया का कुल रकबा किन्ने एकड़ है। ये 30 अरब एकड़ है जी। ज़रात कहानी दे लिखारी किहड़े ने। सही जवाब साढ़े कोल आता है डॉक्टर मुहम्मद बशीर गुराया। सवाल नंबर 21 साढ़े कोल आता है कि टाली थले दे लिखारी कौन ने। सही जवाब है अशफाक अहमद। सवाल नंबर 22 आता है कि पाकिस्तान बन गया है इनका मरकजी किरदार किहड़ा है। वह है जी अम्मा। सवाल नंबर साढ़े कोल 23 आता है कि राय अहमद खां खरल शहीद की गोली का नाँ की है। वह है मोरनी। ओड़ा कोंदी लो नज़म दे शायर दा नाँ की है। ओ है जी शरीफ कुंजाई। सवाल नंबर 25 साढ़े कोल आंदा है कि नवा नवा मूर किहड़े शायर दे किताब है। ओ है जी अहमद राय उरी। सवाल नंबर 26 साढ़े कोल आंदा है कि जमीन उत्ते जिंदगी दा आगाज़ किहदे जरिए होया। ते जिंदगी दा आगाज़ जमीन उत्ते पानी नाल होया। सही जवाब है जी। सवाल नंबर 27 साढ़े कोल आंदा है कि पंजाब विच ट्रैक्टर कदों आए। सही जवाब है 1950 दे वरे च पंजाब विच ट्रैक्टर आए। सवाल नंबर 28 साढ़े कोल आंदा है कि शाह अब्दुल लतीफ बटाई किहड़ी जबान दे शायर ने। ओ जी सिंधी जबान दे शायर ने। सवाल नंबर 29 साढ़े कोल आंदा है कि सुल्तान बाहू फारसी च किनियां किताबां लिखियां। ओ 140 लिखियां जी। ते सवाल नंबर 30 आंदा जी अंडिठे रोग रामे नूं किहड़ी बीमारी सी। रामे नूं जी कैंसर दी बीमारी सी। सवाल जवाब सही कैंसर है जी। सवाल नंबर 31 साढ़े कोल आंदा है कि जगराते किहदा शायरी मजमूआ है जी। सही जवाब है कि शरीफ कुंजाई उरां दा।
सवाल नंबर 32 साढ़े को आता है कि दूजी वड्डी जंग अंग्रेजी अंग्रेजा की लड़ाई किस नाल सी जिन्हों द सैकंड वर्ल्ड वार आ दिन वह अंग्रेजा तो जर्मनी दे नाल लड़ी गई आई। सवाल नंबर 33 साढ़े को आता है कि जर्मन बंबारा का वड्डा निशाना किहड़ा शहर से उन्हां दा वड्डा निशाना लंदन सी। सवाल नंबर 34 साढ़े को आता है कि किस बरतानवी साइंसदान ने रेडार ईजाद किया। सही जवाब आता है कि सर वाटसन वाटुरा। सवाल नंबर 35 साढ़े को आता है कि मार्कोनी ने रेडियो लहर कदों ईजाद कीतियां ते उन्होंने कदों कामयाब होया। सही जवाब आता है 1925। सवाल नंबर 36 साढ़े को आता है कि शरीफ कुंजाई किस मजमून के लैक्चरार सन। सही जवाब है जी वह फारसी जबान के लैक्चरार सन ते उन्हें लिखा ज़्यादा पंजाबी ही है। सवाल नंबर 37 साढ़े को आता है कि आर एफ अब्दुल मतीन के पंजाबी शेरी मजमूए का नाँ की है। वह है जी इकलापे का सफ़र। सवाल नंबर 38 साढ़े को आता है कि पंजाबी जबान उनका लिटरेचर किसती मशहूर तकलीक है जी। सही जवाब है जी डॉक्टर बनारस दास जैन। सवाल नंबर साढ़े को 39 आता है कि पंजाब की पंजाबी अदब की मुख्तसर तारीख किताब इनका लिखारी डॉक्टर मोहन सिंह जी। सही जवाब है जी। सवाल नंबर 40 साढ़े तीकर यह आता है कि पंजाबी अदब की कहानी इनके लिखारी किड़े ने। इनके लिखारी अब्दुल गफूर कुरैशी उरी ने। सवाल नंबर 41 साढ़े को आता है कि आशम शाह कदों पैदा होए। आशम शाह उरी सही जवाब यह है कि 1752 च पैदा होए। सवाल नंबर 42 साढ़े को आता है कि आशम शाह नूं किहड़े किस्से पर शोहरत लभी। सही जवाब है जी किस्सा सस्सी पुन्नू। सवाल नंबर 43 साढ़े को जड़ा है कि कहानी पिछली पढ़ाई के लिखारी किहड़े ने कौन ने। वो जी फरखंदा लोधी। तो सवाल नंबर साढ़े को 44 आता है कि मैं तो ये शायर ये किंद शेर किहड़ा शायर है इस नज़म का। यह जी सही जवाब है जी अहमद राय। सवाल नंबर 45 है कि आरिया किहड़ी जबान बोलते सन। सही जवाब है कि वह जी संस्कृत। सवाल नंबर 46 साढ़े तीकर आता है कि सैयद वारिस शाह होरी कित्थे पैदा होए। सैयद वारिस शाह होरी जंडियाला शेर खां च पैदा होए। सवाल नंबर 47 है कि सैयद वारिस शाह होर रूहानी फैज वास्ते किहड़े शहर च गए। सही जवाब इनका आता है जी वह पाकपतने च गए। सवाल नंबर 48 है जी किस्सा हीर रांझा वारिस शाह ने कदों तखलीक किया। सही जवाब है 1766 जी। सवाल नंबर 49 साढ़े को आता है कि वारिस शाह होर मुर्शिद की इजाजत नाल कित्थे इमामत कराई जी। सही जवाब है मलका आस। सवाल नंबर 50 साढ़े तीकर है कि वारिस शाह होर की वफात किहड़े साल च हुई। सही जवाब है 1798।